गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू माय क्लास. सो टुडे माय टॉपिक इज टियरिंग एंड रोलिंग. रोलिंग और यू कैन से रोलिंग और टियरिंग. रोलिंग टियरिंग क्या है? क्रेप पेपर को लेके ऐसे करके ये बच्चे लोग ऐसे करके यूज़ करके एक स्ट्रक्चर वो बनाते हैं. उसके ऊपर ऐसे करके आप अगर गौर से देखें तो ये सब कुछ, ये जो डिज़ाइन है ये सब कुछ क्रेप पेपर से बनाया गया है. ये बच्चों के लिए ठीक है, ये एकदम परफेक्ट है 4 या 5 साल के बच्चे के लिए. तो अगर आप इससे भी बेहतर बनाना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली आप गूगल सर्च कर सकते हैं, अपना क्रिएटिविटी उसमें ऐड कर सकते हैं. ये है रोलिंग एंड टियरिंग. ये क्यों यूज़ किया जाता है? इससे स्टूडेंट का क्या होता है, डेवलप देयर डिसीजन मेकिंग स्किल्स. डेफिनेटली ये जो कलर उन्होंने चूज़ किया है ये उसका डिसीजन होना चाहिए. डेवलप द फाइन मोटर स्किल. ये पेपर को मतलब टेयर करके उससे ऐसे ऐसे करके पका के ऐसे करके विथ गम के साथ ऐसे चिपकाना, इससे क्या होता है कि फाइन मोटर स्किल्स उसका डेवलप होता है. इससे हैंड आई कोऑर्डिनेशन भी अच्छा होता है. इससे वो देखिए ये डिफरेंस शेप है. यहाँ पर आप ट्राइंगल देख रहे हैं, रेक्टेंगल देख रहे हैं, सर्कल देख रहे हैं, ये सन है, सर्कल देख रहे हैं. तो इससे क्या है, लर्न साइज शेप्स एंड पैटर्न्स ये वो सीख रहा है. सो ये बहुत ही यूज़फुल है स्टूडेंट के लिए. तो अगर आप अब इससे बेहतर बनाना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप बना सकते हैं. इसमें हम लोग क्या यूज़ करते हैं, दैट इज़ ये मैंने एक बोर्ड यूज़ किया है. ये वुडन बोर्ड है, वुडन बोर्ड यूज़ किया है. उसके ऊपर A4 साइज़ का जो पेपर है उसको लगाया है. ये क्रेप पेपर उसमें दिया है एंड वाटर कलर तो है ही, यहाँ पे आप देख रहे हैं. तो ऐसे ही ये रोलिंग एंड टियरिंग किया गया है. सो प्लीज़ कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल. टिल देन गुड बाय.